नितिन ठाकुर, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय, जहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं आया हूं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में। आपको बता दूं, आज मंगलवार है और मंगलवार को हर जन सुनवाई होती है। यहां पर प्रशासन आवेदकों की समस्या सुनते हैं, कलेक्टर साहब खुद यहां पर बैठते हैं और आवेदकों की समस्या सुनते हैं। साथ में यहां पर सभी विभाग के अधिकारी भी आते हैं, जिनको कलेक्टर आवेदन देकर उस पर सुनवाई करने के लिए कहते हैं। जो समस्या लेकर आते हैं वो आज कलेक्टर साहब को अपनी सुनवाई करवाएंगे। अब देखना है कि जो आवेदक अपनी समस्या लेकर आते हैं, क्या उनकी सुनवाई यहाँ पर होती है या फिर वो लगातार चक्कर पर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ से आए हो आप? दोराने से। समस्या, मेरा एक लड़का था 9 साल का, वो कोलुआ मंदिर पे गया था। एक यहाँ से दोराने से गोलू नाम का एक व्यक्ति उठा ले गया विजयपुर थाने के। यहाँ से पुलिस को अपन ने सूचना दी 18 तारीख में। पुलिस वाले उल्टे सीधे सवाल करते हैं हमसे, ये कहते हैं कि तूने भेज दिया, लड़का मार दिया कि क्या करते हैं। वो मैडम कहती है कुछ नहीं करता था, खेलता रहता था। है मेरी दुकान है, मेरी खाने की होटल, वहाँ पे नहीं कोई रंजिश नहीं थी। वो लड़का जो था ना 15 दिन से अपने यहीं था होटल पे। इसके बाद में 15 दिन से मैंने भगा दिया था। तो एक रोज़ क्या हुआ, वहाँ पे वो दारू पी रहा था अपने यहीं पे, कच्ची दारू। तो मुनीम जी से मैंने उससे बोल दी, पकड़ा दी। तो उसने उस रोज़ 17 तारीख में मेरे को धमकी दी, तेरे दोनों बच्चों को गायब कर दूँगा। मैंने कहा वैसे दारू में तेरे होगा। तो दूसरे दिन 18 तारीख में वो क्या है कि लड़के को यहीं से ले गया मंदिर पे, कोलियो मंदिर पे। तो उसने क्या किया, उसको ले गया तो मैंने ढूंढा करा तो नहीं मिला। एक ने बताया कोलियो मंदिर पे गया लड़का, तो मैंने कहा चलो ठीक आ जाएगा, नहीं आया तो फिर मैं गया ढूंढने के लिए, वो नहीं मिला मेरे को। मैंने लिए उसके लिए वापसी आ गया, मेरी तबीयत खराब चल रही थी। वो क्या गुमशुदा की जो हम उसको पूरी पुलिस को बता चुके, गोलू नाम का ले गया, जो मंदिर पे झगड़ा हुई हुआ वहाँ पे, तो वो लड़का भाग आ जाए विजयपुर थाने तक। थाने के अब यहाँ कलेक्टर नहीं, एसपी को नहीं दिया था। अगले मंगलवार को आया था मैं, यही जन सुनवाई में लेट हो गया था। तो एसपी पे जाएगा तो मैंने सोचा वो यहीं से जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में सारे अधिकारी आते हैं। राशन की दुकान चैनपुरा में बनवाने बाबत सर्व निर्धन एक ही राशन की दुकान स्वीकृत ग्राम पंचायत चैनपुरा में स्वीकृत की थी, जो सरपंच एवं सचिव द्वारा बसनपुरा के पास जंगल की जगह पर बनाई जा रही है। अतः आज तक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा नहीं रखी गई है, नहीं किसी पंच को भी सूचना नहीं दी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम ग्राम पंचायत चैनपुरा के सभी ग्रामवासी निवेदन करते हैं कि हमें राशन की दुकान चैनपुरा में बनवाने की कृपा करें एवं सचिव एवं। अभी क्या चैनपुरा में आपकी दुकान नहीं थी, उसमें चल रही राशन की दुकान चल रही सर। उसके बाद दूसरी जगह बिल्डिंग बनाई जा रही, जो स्वीकृत बिल्डिंग थी वो दूसरी जगह बसनपुरा जंगल एरिया में बनाई जा रही है, एवं सचिव एवं रोजगार किसी दूसरी पंचायत में भेजा जाए, हमें दूसरी पंचायत का ग्राम सचिव और रोजगार सहायक हमें भेजे जा। किसी के नाम पे आज ऐड आती है हमारी कुटी और हड्डी मिल जगनपुर चक कुटी की, हाँ नहीं मिल रही। वो राम बोएगा रामवीर नहीं कुछ नहीं, 6 साल हो गए हमारे पैसे किसी को और नाम के डाल दिए।
हाँ आ गई थी, फोटो भी खींच गए, वहाँ कुटी भी बन गई और 10 बार चले गए। इंदर भैया मना कर देते ही नहीं आई तुम्हारी कुटी, जिसमें हमारी 1632 पे नाम आ रहा है। हाँ मना कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी मिल लिए कितनी बार, वो बाहर दे देते हैं इंदर भैया को, उनको वहाँ भी सुनाई नहीं होती। हाँ जी मैं कह रहा हूँ आपका फसल बढ़ गई, फसल बढ़ गई। कौन कौन ने फसल बढ़ा दिया? बाहुरिया ने, बावरलाल, बजे सिंह, ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ? अब मोहन सिंह ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब क्या क्या हुए, उन्होंने भेड़ दिया, पूछे उनका नाम है हमारे घोड़े। कहाँ पर रहती हो आप? हम वहाँ रहते बोर्दगांव। कौन सी पंचायत पड़ती है? बोर्दे पंचायत। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? गुंतियार भाई। कौन सी पंचायत से आई हैं? बोर्दा। क्या समस्या लेके आज आप लोग? हमारी फसल बेल दी, मैं कब हुई थी आपकी फसल होगी? वे कह रहे हैं कि हमारी जमीन है और हम कह रहे हैं हमारी जमीन है, वे जबरदस्ती कर रहे हैं, भैंसे चरा रहे हैं, न गट्टे काटन दे रहे, और हमारे हम गट्टे काट पर जाओ तो वे हमारे लार पड़े लाकड़ी पर्ची ले ले। वे कहते हैं कपड़े निकाल के भगा दो इसको, 4-5 लोग लार पड़ता है। ये कौन कहता है? जी वो बंवर जी मोहन सिंह और लाखन, बजे सिंह, चंदन सिंह, 5 लोग है। हमारे 6.5 बीघा की। 6.5 बीघा। हाँ सबसे परेशान कर रहे हैं आप? ये 3 साल हो गए हम। पूरी कर दी 6 बीघा। मका बोई थी गए से अब गए जानने, 2-4 बार रिपोर्ट कर दे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाना वाला कुछ नहीं कर रहे हैं, थानों कोई सुनवाई नहीं हो रही। जयपाल सिंह यादव अतिथि। कहाँ से आए? म्याना से आए। क्या समस्या जी आपकी? समस्या है हमारे अतिथि शिक्षक हैं जयपाल सिंह यादव, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिरौली से। तो हमारा अभी तक गत वर्ष का जनवरी माह का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम विभाग में कई बार आवेदन दे चुके हैं और काफ़ी परेशान चल रहे हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है विभाग द्वारा। कलेक्टर साहब से मिले थे क्या? कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने विभाग वालों को दे दिया आवेदन, तो विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं। जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। आपका शांति? क्या समस्या हुई आप? मेरे आदमी पैसे नहीं तो बेटा ड्यूटी क्या है पूरा मामला आप ही बताइए। ये इनका है ना, इनके पति आदिम जाति कल्याण विभाग में नौकरी करते थे, और ये 2016 में रिटायर हो गए थे, तो इनने उन्हें है ना विभाग से ग्रेच्युटी मांगी थी, विभाग ने इनको ग्रेच्युटी नहीं दी थी, तो इनके पति ने श्रम न्यायालय में आवेदन लगाया था, वहाँ से ग्रेच्युटी का इनको 2017 में आदेश हुआ, 1,06,702 रुपये का ऑर्डर हुआ था, लेकिन विभाग ने उसके ऑर्डर का भी पालन नहीं किया, फिर श्रम न्यायालय से उसमें RRC जारी हुई थी उसको पैसा दिलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया, और इसके बाद फिर भोपाल में अपील में गए, ये आदिम जाति कल्याण विभाग वहाँ से भी केस हार चुके, लेकिन आज तक इनको पैसा अभी तक नहीं दिया गया। 2017 का मामला आज तक टाल के रखा है, पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा। हमारी आज कलेक्टर साहब को इन्होंने आवेदन दिया और ये मांग की है कि इनका पूरा पैसे का भुगतान कराया जाए, जिससे इनको जो पैसे पति की जो सहायता राशि है ग्रेच्युटी की वो मिल सके, ये इसके लिए आज कलेक्टर साहब से हम लोगों ने आवेदन दिया है। शांति भाई पूरी है, इनके पति का नाम भुजबल पूरी है। कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? तो आएंगे नहीं, क्या कहें मतलब अपील कर दो कि हमें हमारी पैसा मिले। हाँ मिलना चाहिए बाबू जी। क्या आप गरीब हो भैया? मेरा तो कौन है, वो माना दो है, हमें बेमजूरी करते हैं और का, और बस मैं बीड़ी बनाऊँ तो मैं बीमार हो गई, बीड़ी बना बना पैसा चाहिए हमें। तो कहाँ से आए हो? अमराज से आया हूँ। क्या हो गया आपके साथ? मेरे भाई का मर्डर हो गया है, ऐसा हमें लग रहा है, किसी अनजान घर पे मृतक मिला है हमको, जिसकी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, और 22 तारीख की मर्डर हुआ था उसका, हमें ऐसा लग रहा है आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगली 22 तारीख को हुआ था, इस 22 तारीख कोई प्राय रंजिश थी। हाँ उससे 8 दिन पहले किसी से उसकी लड़ाई हुई थी, हमें उस पर संदेह भी है, पुलिस पर हमने बता भी दिया है, उसका नाम ऋतिक सिवर है,
वो कई दिनों से उसको पीछा कर रहा था और कई लोगों से धमकियां भी दिलवा रहा था। तो अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, इससे पहले एसपी से मिले कि नहीं आप? एसपी से दो बार मिल चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीओ मैडम से दो बार मिल चुका हूँ, मैं थाने में भी कई बार मैं बोल चुका हूँ और डॉक्टर साहब से भी बोल चुका हूँ। जब थाने में, जब हमारा उस दिन 22 तारीख को उस भैया का ये सब हुआ था, तब हमने बोला कि हम सबको लेकर हम गुना जाएंगे, गुना पीएम करवाएंगे, यहाँ पर हमें संदेह है। तो क्योंकि हमें शुरू से लग रहा है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अभी कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? कलेक्टर साहब ने बोला है एसपी आपके पास चले जाओ, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो न्यायालय जाओ, न्यायालय जाओ। लेकिन ये पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस क्या है, फालतू की तनख्वाह दे रही है क्या गवर्नमेंट को? अब क्या चाह रहे हो आप प्रशासन से? प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि ईमानदारी से कार्रवाई करके और दोषी को पकड़ के सामने लाए, और दोषी ये हमने बता दिया है, उन पर हमें संदेह है, उनसे सख्ती से कार्रवाई की जाए। अगर यहाँ पर एसपी सुनवाई नहीं कर रहा है, कलेक्टर सुनवाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप कमिश्नर या संभागायुक्त ग्वालियर में इसकी शिकायत करेंगे? करेंगे ना, सबकी कार्रवाई, सबकी शिकायत करेंगे, जो जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं सुनवाई? रमेश सेंडो, पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत गुना। क्या समस्या लेके आप कलेक्टर साहब? समस्या जनहित की है। एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय परगना गुना को यथास्थिति रखे जाने के संबंध में है। उक्त तो ये दोनों कार्यालय जगनपुर और कुशमंदा क्षेत्र में शिफ्ट किए जा रहे हैं, वहाँ निर्माण किया जा रहा है, जबकि जनता को अगर वहाँ पर कार्यालय स्थापित होते हैं तो जनता को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का भी निवास है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में ये एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय को यथास्थिति रखे जाने के लिए हमने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया है, उनको मांग पत्र सौंपा है कि किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, खासतौर से नौजवानों के हित में, छात्रों के हित में पुनर्विचार किया जाए और एसडीएम कार्यालय कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया है? कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमारा वो वहाँ पर कार्य चल रहा है, पूर्व से संदेह उसमें संज्ञान में लाना था, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कलेक्टर साहब से कि आप कोई शासकीय अन्य डिपार्टमेंट को वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जनहित की दृष्टि में। हमारे जो तहसील कार्यालय चल रहे हैं उसमें गुना ग्रामीण और गुना शहरी एक स्थान पर रहना चाहिए, और एसडीएम कार्यालय पूर्व जिलाधीश महोदय जहाँ बैठते थे वहाँ पर संचालित है, उपयुक्त स्थान है, सभी के लिए सुविधा की दृष्टि में है। ऐसी स्थिति में हमारे मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होकर एसडीएम और तहसील कार्यालय को यथास्थिति रखे जाने का काम होना चाहिए, ये हमने कलेक्टर महोदय से मांग की। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।